जो आई ना उनकी उसकी शादी नहीं हो रही थी। जब वो मैम मेरे पास आई ना तो उन्होंने फोटो देखा। मैंने कहा मैम ये जब ये सर मेरे पास आते थे ना तो मैं इनसे पूछती थी सवाल। मैंने कहा सर आपकी तो शादी हो रखी है लगता है देख के, पागल मेरी शादी भी हुई नहीं है, ये हुई नहीं है शादी मेरी भी नहीं हुई है। मैंने कहा अच्छा मैं हर बार आते थे ना मैं यही पूछती थी। मैंने कहा सर आपकी शादी पक्का हुई है झूठ मत बोलना, मेरी नहीं हुई है। मैंने कहा अच्छा। फिर ये जो मैम है ना मैम के सामने मैंने कहा मैम इनकी तो शादी हो रखी है मुझे पता है दिखने में लगता है। फिर मैम कह रही पागल इनकी तो घरवाली छोड़ के भाग गई है अभी नहीं हुई है। हाँ उनकी का इनकी तो हुई नहीं है शादी। अच्छा जी अच्छा मुझे पता नहीं रहता क्योंकि फोटो में जो वो मुझे फोटो दिखा रही ना अपने साथ की फोटो हटा रही थी अकेले की दिखा रही थी जूम करके। उनकी तो एक बेटी भी है बच्चे भी हैं सारे पता नहीं रहता। ये बात किसने बताई? फोटो में पूरी फैमिली थी ना तो उन्होंने अपनी साथ की फोटो नहीं दिखाई जूम करके दिखाई। तुमने क्या कहा था कि उनकी परिवार खराब हो गया था इसलिए मैंने कहा मैम मैं इनके बारे में कभी ना बुरा सोचती हूँ ना अभी तक सोचूँ। मैंने भी नहीं किया माफ़ इन्होंने भी मुझे किया माफ़ जो होना सा हो गया लेकिन मैं इनकी ज़िंदगी ख़राब करना चाहती नहीं हूँ। आप भी प्लीज़ अगर इन्हें पता चले तो मैंने कहा मुझे पता था कि उनकी वाइफ थी मैंने एहसास उन्हें नहीं दिलाया था कि मुझे पता है। तो मैंने कहा था आप इसके बारे में किसी को बताना नहीं मैं इनकी ज़िंदगी ख़राब करना चाहती नहीं हूँ। उन्होंने कहा था ये तो बहुत दिल में इंसान है फिर क्या करेंगे ऐसे तो होते ही हैं इंसान। अच्छा बस पिता अगले दिन पहले हाँ पिता अगले दिन जो पूछना था इस बार खुल लिया बड़े प्यार से। पिता अगले दिन फिर भी बोल रहे करंट वाली मशीन लिया और बताइए सच। मैंने कहा मैम हर बार बोल रहे सच है नहीं फिर कहा कि किसी से मत बताना। हाँ मैम ने कहा और कोई भी पूछो ना तो ये बताना इसके बारे में कुछ नहीं रही हूँ मैम किसी और के बारे में कुछ भी। मैम मेरे बारे में पूछता हूँ मैम कह रही है अगर बड़ी मैम अगर पूछे तो ये बता देना मैंने कुछ भी कहा नहीं है। बड़े साहब को अपने आप ही इंक्वायरी करके चले जाएंगे ये तो नहीं पूछो ना ये तो नहीं था बड़े साहब से मत बताना ना क्या कहा वही शब्द बताओ जो उसने कहा। उसने कहा अगर कोई भी इंसान पूछे कोई भी अगर पुलिस वाला पूछे तो बताना मैंने कुछ बताया ही नहीं है। अगर खास करके जो बैरिक के अंदर जो मैम है वो कह रहे थे अगर मैम भी अगर पूछे ना तो ये मत बताना कि मैंने तुझसे सवाल पूछा। मैंने कहा ठीक है मैं बैरिक के अंदर कौन मतलब कि मैम जो उन सबको तो उन्होंने पार कर दिया था ना इसलिए उन्होंने कहा था अगर कोई भी पूछे तो बताना नहीं। अगर मैं किसी के सामने तुझे मारूं भी अगर मैं उन्हें तुम्हें दूर से अगर खड़ा करके दिखा दूँ ना तो तुझे पक्का पहचान लगी। मैंने कहा हाँ मैं पहचान लूँगी सर तो ठीक है मैं दिखाऊँगी। तो वही चुपके से किसी दिन फिर अगले दिन आगे मुझे बजाना शुरू कर दिया। अगले दिन क्या क्या करवा अगले दिन कह रही बहुत सारा क्या गाली बताओ इतनी गंदी गंदी गाली जो जिंदगी मैंने सुनी भी नहीं है वो मिली गाली मुझे एक गाली कितनी होती बड़ी बहुत गंदी गंदी दी गाली मैं हम लोग के सामने कही मैं कही तुझे मेरा ही पति मिला फंसाने को झूठी ऐसी ऐसी गाली सुना दी मैंने को मैं इतनी रोती है वो ये सोच करना चाहती कि तू झूठ फंसा क्यों। हाँ यही इसलिए दी कि तू उसके पति को कैसा तुम वाले हाँ ये कहा यही कहा कि झूठ फंसा दी। हाँ वो कह रही थी कोई भी पूछो तो मत बताना ये सच बोलना झूठी है बहुत गाली दी बहुत लात पे लात खाई मैंने फिर मैंने बहुत बर्दाश्त किया। लात मारी लात भी बहुत मारी लेकिन मुझे क्यों नहीं लगाई पर मैम ने पसंद नहीं लगाई मैं मेरे सुबह को तेरे को बुलाया रूम में तो ये बात मुझे क्यों नहीं लगाई तुम्हारा। जब आप बैठे थे ना उधर मुझे घूर घूर के देख आँख निकाली थी बताना नहीं जब आप कुछ मैम से बात करने लगे मुझे घूर घूर के आँख निकाली थी बताना नहीं मैं और बड़ी कि मुझे और ना पड़ गया फटे। जब आपने कहा नारी की तरह बदले गए मैंने कहा ना मैम मैं सच बोल रही हूँ मुझे अपने बदल जाना है कितनी बार आया तुम्हारे पास तीन बार आया तीन बार तो पक्का याद है
सेकंड बार आया और वही यूज करते थे, वो होटल वाला ने खुद देता था। किसी टाइम 2:30 के करीबन 12:30 करीबन जब भी छुट्टी मार के जब वो निकलते होंगे शायद बाइक से आते होंगे या पैदल, वो लोबर कॉलर दार पहनते हैं तो सब वही पहन के आते थे। होटल वाला वो होटल से फोन करते थे। एक और बात याद आ गई, तुमने कुछ मुझे ही बताया था कि ये कहा कि बाहर कमरा दे दे। हाँ उन्होंने कहा था इसलिए कि किसी और ग्राहक ने किसी ने कहा था कि अगर तुझे दिक्कत हो। मैंने कहा भाई हम तो इतने गरीब हैं, मैं तो मतलब कि हम लोग कमरे किराए पर रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम मेरे से बोल देना कि अगर तुझे कमरा चाहिए तो मैं तुझे कमरा दिलवा दूंगा। मैंने कहा नहीं सर रहने दो, उसको मेरे पास है रूम, मुझे नहीं चाहिए। एक दो दो घंटे तक मेरे साथ बिताते थे, ना मुझे हर डिटेल उनके बारे में पता है। मतलब कि उनका भी कहा उनका शरीर मतलब कैपेसिटी कितनी है, कितनी देर है, कितनी देर नहीं, बहुत गंदे थे, बहुत ही ज़्यादा रुला देते थे मुझे, इतने गंदे थे वो। ना करो तो होटल वाले शिकायत करते थे कि किया नहीं, थे रुला देते थे मुझे, अलग अलग स्टेप बोलते थे ऐसे ऐसे कर ऐसे ऐसे बच्चों। मैंने बहुत कंट्रोल किया अपने आप पे, दिल में भी मैं सारी बातें मैं अभी तो भूल नहीं। बाहर कमरा इसलिए कहता था कि ताकि क्या कहते थे अगर बाहर कमरा लेंगे तो वहाँ आते जाते रहेंगे, किसी से बात मत बताना। मेरे कहने से कह रही है आप कहा उन्होंने कहा उन्होंने कहा था मेरे ही कहने से कह रही है दिमाग है ना बुद्धि है, अगर तू इसको सही जगह लगा दे तो कोई उच्च अधिकारी बनेगी, तूने अपनी बुद्धि को गलत लगा रखा है। जितनी की माइंडेड है ना, जितना भगवान ने तुझे बोर्ड की स्थिति आ रही है, अगर इसको कहीं अच्छी जगह प्रयोग करेगी तो कुछ अच्छा बनेगा, है ना।